साथ जुड़ा हुआ। जय हिंद दोस्तों, जय श्री महाकाल। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल अमन मुरादाबादी ब्लॉग्स में एक बार फिर से, और हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। बहुत बहुत शुभकामनाएं हो आज के दिन की आप सभी को। और आज का आपने टाइटल तो देख लिया होगा, तो लेट्स मूव क्विकली फ्रॉम हियर। सो जैसे मैं कह रहा था, टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा, ये हम जा रहे हैं आज रिपब्लिक डे राइड पर। इवेंट है, काफ़ी टाइम बाद हो रहा है और काफ़ी सारे बाइकर्स आने वाले हैं, आने वाले नहीं हैं, आ चुके हैं। इवन बस मैं ही लेट हो गया हूँ, और अभी सब लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं, बस मैं लेट हूँ। तो फटाफट चल रहा हूँ मैं यहाँ से वहाँ, और फिर वहाँ पे चल के मिलते हैं, और मैं भी हम लोग जल्दी से निकल ही लेंगे। अभी जैसा मैं देख रहा हूँ, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है अभी, और साथ ही में जो ओस है ना, ओस ऐसी लग रही है इस टाइम फेस के ऊपर, जैसा ऐसा लग रहा है मतलब जैसे बारिश हो रही हो। सो हम लोग आ गए हैं भाई साहब। कैसे हो, कैसे हो? यार सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया थोड़ा काफ़ी लेट हो गया, एक घंटा। इन सब भाइयों को मैंने इंतज़ार करा दिया है। ये है सचिन भाई, क्लाइव भाई, तारिक भाई, आप भी सचिन, और आप हिमांशु। ये दोनों मेरे ख्याल से अभी नए हैं ना। हाँ, तो आज आप लोग ज्वाइन करो, देखो कैसा लगता है साथ में। तो चलो यार चलते हैं, अगर लेट तो हो ही गए हैं। अपना प्लान सेट हो चुका है, हम लोग किधर जा रहे हैं? मैकडी बर्गर शर्गर खाएंगे, मौज उड़ाएंगे। चलो भाई, आज कितने बाइक्स हैं? 1 2 3 4 5 हिमालयन मैकडी। इधर से निकल रहे हैं क्या? शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, आना ना 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 जा तू महाराजा। सो लेट्स राइड होले होले। और जाना का इसमें लगा है पीछे सैडल स्टे, बहुत ही अच्छी लग रही है बाइक। आज के मौसम में देख सकते हो कैसे इसमें से स्मोक निकल रहा है, मेरी वाली में से भी निकल रहा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैंने चेक नहीं किया आते हुए। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे हो कि हम लोग किधर से जा रहे हैं मैकडी, ये तो हरिद्वार रोड है, यहाँ से हम जा रहे हैं इस रोड पे, आगे एक टर्न पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, वो बाईपास है, यहाँ से जाता सीधा दिल्ली रोड पे, फिर दिल्ली रोड से हम होते हुए जाएंगे गजरौला आउट ऑफ मुरादाबाद। और ये देखो टर्न आ गया, सब लोग हैंड सिग्नल दे रहे हैं, मेरे पीछे कोई नहीं, फिर भी मैं दे रहा हूँ जस्ट फॉर फन। बहुत अच्छी चीज़ होती है ये हैंड सिग्नल, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना। ये देखो तारिक इस टाइम लीड कर रहे हैं, और उनके पीछे पीछे सभी, हम सभी रूल्स फॉलो करते हुए। ये रहा देखो बागवाड़ा अमरोहा दिल्ली। अभी यहाँ का रोड कैसा है, यहाँ पे हमें मिलेंगे बहुत सारे कर्व्स, और अच्छे रोड और ख़राब रोड भी, और रेलवे क्रॉसिंग भी आएगी, साथ में रेलवे स्टेशन भी आएगा, एक ट्रेन्स भी खड़ी हो सकती हैं काफ़ी सारी रेलवे लाइंस। तो देखो गाइस, एंजॉय करो वीडियो को पूरा एंड तक, और स्किप मत करना, व्यूज़ बहुत ही अच्छे होने वाले हैं यहाँ पर। और हाँ, बताना भूल गया, ये देखो इधर खेत ही खेत पूरे सब, बहुत असम रास्ता है। इधर देखो ये ट्रक वाले बाबा, सारी गन्ने की खेती हो रही है यहाँ पे, गन्ने की, सरसों की, क्या अमेजिंग नज़ारा। देखो फॉग कितनी एकदम बिल्कुल नीचे लगी हुई है,
फॉग एकदम लग के चल रही है ग्राउंड से। और ये देखो बाइक इसमें, इसमें देखना, इसमें मिरर में। और ये भाई मेरे कैमरे में देखता हुआ ये बंदा हमसे स्कूटी पर जा रहा है, मेरे को ऐसे देख रहा था जैसे अपनी ग्रुप का राइडर हो, ये ऐसे झांक के देख रहा था। भाई आ गया तू व्लॉग में, आ गया आज, आ गया, खुश रहे तू भी खुश रहे। तो फ्रेंड्स नजारे देखो यार, यहाँ के नजारे क्या मस्त ऑसम जगह है। ये रूट हमने इसीलिए चूज किया था, वरना मैकडी जाने के लिए गजरौला का स्ट्रेट हाईवे भी है, लेकिन हम इस रूट से इसीलिए आए कि आप लोगों को ये नज़ारे दिखा सकें। ये थोड़ा विलेज वाला एरिया आ गया है अंदर, जब से घूमते घामते, लेकिन ऑल इज, लेकिन सब बातें एक तरफ और इस रूट के कर्व्स एक तरफ। बहुत ही गलत हुआ जो मैं अपने साथ में नहीं लेके आया पावर बैंक, और मेरा कैमरा जो है डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज। अभी मैं अपना कैमरा कर रहा हूँ बंद, मैकडी पहुंच के इसे ऑन करूंगा। एक सेल बचा हुआ इसके अंदर, यार मैंने कुछ ज्यादा शूटिंग कर ली आज इससे। इस कर्व के बाद में इसे करता हूँ बंद, फिर मिलते हैं आपको सीधा डायरेक्ट मैकडी पर। ये क्या हो रहा है यार, ब्रेक मतलब इतने ज्यादा लूज हो चुके हैं, इसके नीचे लग रहे हैं कर्व पे, ब्रेक इसके नीचे लगते हैं। तो चलो यार इसे अभी बंद करता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ मैकडी पे, क्योंकि बैटरी इसकी वीक हो चुकी है लग रहा है मुझे ऐसा कुछ। सोचा था मिलूंगा आपसे मैकडी पर, लेकिन हो गया क्या, देख लो भाई रोड हो गया बंद। चलो कैसा लग रहा भाई जो आज आके, बहुत शानदार, कोहरा देखा, कोहरा ही कोहरा, मजा आ गया। ये देखो ठंड से बैटरी चली गई इसके पूरे कैमरे की, पूरा मतलब प्लान करके, जिसमें से ऋषि, कार्तिक, ताहा स्पेशली, ये तीन लोग जिन्होंने पूरा प्लान करके आए नहीं है। यार आना चाहिए था यार, ऐसी बात तो गलत है, साल में बार होती है, आना चाहिए सबको। सही बात है। और अनस भाई और मोनिस, मोनिस की तो बाइक खराब हो गई थी। अच्छा मोनिस, हाँ आया तो था मैसेज उसका। और देख सकते हो भाई गाइस पीछे कैसे लाइन लगी पड़ी अभी लंबी वाली, बहुत वेट करना पड़ रहा है, लेकिन वेट करना अच्छी बात है। ये कौन लग रहे हैं, वो लग रहे हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर में आता कह के लेंगे, मारेंगे नहीं कह के लेंगे। चलो गाइस अभी ट्रेन आएगी फिर निकलते हैं, यार बहुत देर हो गई हमें वेट करते हुए। अपनी क्रोमी तो देखो उधर खड़ी है, ये रही हिमालयन के जस्ट बैक साइड में अपनी क्रोमी खड़ी है। ट्रेन की अभी आवाज़ आ रही, लेकिन ट्रेन नहीं दिखाई दे रही है कहीं से, कहीं पर। और फॉग देख रहे हो कितना हो रहा है, पूछ लो ट्रेन कहाँ है, ट्रेन कंट्रोलर है। हाँ भाई साहब ट्रेन कहाँ है, फोन करके बता दो। लाइन पर होगी पटरी पे, एक बार इधर देखो आप, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सेम इधर भी। कैमरे की बैटरी हो गई डाउन तो फोन से कर रहा हूँ, अब आपको मैकडी में मिलते हैं। ओके बाय। सो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं यहाँ बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स बोला था लेकिन बर्गर किंग आ गए, क्योंकि यहाँ का बर्गर भी टेस्टी है और स्पेस भी है, स्पेस भी यहाँ पे ज़्यादा है,
हमारे लिए भी स्पेस है और हमारी बाइक्स के लिए भी। सब बाइक्स हो गई यहाँ पे पार्क। बाल का भरता बना हुआ बहुत बुरी तरीके से। एक मिनट ये पकड़ने जा रहा, मैं कुछ दिखाता हूँ। और हाथ देखो, मैं आज ग्लव्स पहन के नहीं आया था, पूरा रेड हो रहा है, रेड रेड काले काले। ये थोड़ा ग्रिप का वो आ गया कलर, पता नहीं कैसे ग्रिप मेरे कलर छोड़ रही है, ब्लैक एंड रेड बिल्कुल। ये जैकेट वाला कलर मैच हो चुका है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बताओ क्यों? क्यों आज भाई हमारे हमारी एडवेंचर बाइक के साथ ही दो और आ गई हैं, साथ में एक्सपल्स और हिमालयन का पूरा कॉम्बिनेशन बन गया है इंडियन एडवेंचर बाइक्स का। बस एक एडवेंचर 390 कमी है, अगर कोई देख रहा है मुरादाबाद से एडवेंचर 390 उनके पास है तो यार आ जाओ ग्रुप में और ग्रुप को कम्प्लीट कर दो एडवेंचर बाइक। हमारे ग्रुप में अब मैक्सिमम एडवेंचर बाइक्स ही हो गई हैं आज स्पेशली। आरसी तो बहुत कम है। आज मैं आपको बाइक्स दिखाता हूँ पहले तो। जैसे कि आज की बाइक्स देख सकते हो, एक R15 है ये, जैसे कि आपको पता ही स्पोर्टी और रेसिंग मॉडल है। उसके बाद एक्सपल्स 200 एडवेंचर, इम्पल्स 150 एडवेंचर, रॉयल इनफील्ड हिमालयन एडवेंचर एंड दिस इज़ माई क्रोमी क्लासिक 500 एडवेंचर। तो सारी एडवेंचर है बस एक को छोड़ के। तो बाकी भी जिसके पास अगर कोई एडवेंचर बाइक वाला हो और ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ओके गाइस, तो चलो अब चलते हैं अंदर। अंदर जाएंगे, बैठेंगे, थोड़ी हाथों में गर्मी आएगी तब कुछ बात बनेगी। और ये जो पीछे हाईवे देख रहे हो ना, मतलब पूरा रास्ता कवर नहीं कर पाया। मुझे लगा था ये वाला जो सीन है पीछे जो हाईवे है ये तो प्लेन रोड है सीधी सीधी, इसको क्या दिखाना। तो जो नहीं दिखाया था ना मैं आपको वो दिखा रहा था, और उसके सीन्स मैंने कुछ ज़्यादा शूट कर लिए। पता नहीं कैसे कैसे मेरे कैमरे की बैटरी डाउन हो गई, शायद ठीक से चार्ज नहीं किया मैंने उसे। तो अभी मैं फ़ोन से ही बनाऊँगा बस। और चलो अंदर का सीन दिखाते हैं। बर्गर किंग, चलो उधर उस साइड में चलते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इधर सबवे है, नहीं पहले भी था, पहले शायद थोड़ा छोटा सेटअप था। और चलो हैंड क्लीन करो सब लोग। एक शख्स बैठे हैं, अभी अभी इन्होंने रखा फ़ोन, फ़ोन में ही लगे हुए थे। अभी बर्गर सा वेट कर रहे हैं, हमारे बर्गर आ रहे हैं। और दोबारा बोलो सुना नहीं लोगों ने। अभी हम अपने बर्गर सा वेट कर रहे हैं, मतलब बॉडी में कुछ गर्म जाए तो बॉडी में गर्मी आएगी तो बर्गर फाइन होगा। इतनी मोटी मोटी जैकेट पहनी है फिर भी ठंड लग रही है। अच्छा इनकी जैकेट में मैं आपको एक खास चीज़ दिखाता हूँ, मैंने पीछे से बाइक पर चलते थे नोटिस करी थी, ये जो चैन है ना, अगर आप मेरी जैकेट में देखोगे या किसी की भी जैकेट में देखोगे ऊपर कॉलर तक जाके बंद हो जाती है। इनकी चैन देखो ये जा रही है, अरे आगे आओ ये पीछे तक का क्या सीन है इसमें, ये बैग बैग बन जाता है। नहीं ये बैग बन जाता है, ये बैग बन जाती है ये जैकेट, मतलब जैकेट है उल्टा गैस के साइड से। हाँ और ये एक बैग में कन्वर्ट हो जाती है, फिर इसके अंदर सामान भी रख सकते हैं, हेलमेट हेलमेट ग्लव्स वगैरह रख सकते हैं। अच्छा सही रहता है, होते नहीं। अच्छा कॉन्सेप्ट है। और भाई साहब आपका क्या कॉन्सेप्ट है ये उल्टी कैप पहनने का? कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये खाली कैप है जो कि बालों को बचा रही है क्योंकि ये हटा के दिखाओ नहीं। अरे वाह, यही तो हम सोचे यार, कुछ तो चेंज है। हाँ वो कर्ली कर्ली वाले बाल थे कहाँ गए, वो दान कर दिए। तो जी बर्गर शर्गर आ गए हैं सारे, बर्गर फ्रेंच फ्राइज कोल्ड ड्रिंक। ठंड लग रही है लेकिन ठंड में फिर से हम ठंडी कोल्ड ड्रिंक। और ये पाइप जो है ना वो सुना होगा ना आपने, जो बर्फ़ होती है बर्फ़ के अंदर तासीर होती गरम, वही वाला सीन है ना। लेकिन इसके अंदर तासीर गरम नहीं है, आइसक्रीम होती है। चलो जी पेट पूजा हो गई और अब चल रहे बाहर वापस। हाँ ये सारा ऊपर जो चलता है ना, एक तो वैसी ठंड लग रही है और ऊपर से मेरा दिमाग ख़राब कर देता है ये। अरे ये आप लोगों को ढूंढ रहे हैं, एक बार सबको विश कर दो यार सब लोग। आजे सचिन भाई आ जाओ। तो गाइस हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल फ्रॉम ग्रास सिटी मोटरहेड्स।
कंप्लीट फ्री। एक इस फैमिली की तरफ से एक इस फैमिली को हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी रिपब्लिक डे। गाइस जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, भाई का चैनल, भाई का चैनल, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके तो अभी निकलते हैं घर और देखते हैं कुछ और खाना है क्या। आप ही कह रहे थे खाना है, भूख लग गई है, पास में बीकानेर वाला है, चलो देखते हैं अगर बीकानेर वाला चलते हैं तो। वह चलोगे क्या सच में? से बाय टू ऑल, गुड बाय। तो गाइस देख सकते हो पीछे सब लोग रेडी हैं चलने को, तैयार वापस से अपने अपने घर। तो हम लोग निकलते हैं और आप लोग नहीं निकलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर यहाँ तक वीडियो लगाओ अच्छा। और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट ब्लॉग में। एपिसोड बोल के इन लोगों ने मेरे दिमाग में एपिसोड चढ़ा दिया है, एपिसोड में नहीं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय बाय, टेक केयर, राइड आर राइड सेफ, सी यू सून इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।